आने वाली होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो होलिका दहन पर किए जाने वाले कुछ कार्यों के बारे में लेकर आया हूं, जिसमें आज हम होलिका दहन के दिन जलती हुई होली में एक ऐसी चीज जिसे डालने से व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती और व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक समस्या कभी भी दस्तक नहीं देती। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमें होलिका दहन के दिन करने चाहिए, तो आज हम ऐसे 6 कार्यों पर चर्चा करेंगे जिसमें होलिका दहन में घर के मुखिया को क्या चीज डालनी चाहिए, साथ ही साथ अन्य लोग भी होलिका दहन में प्रज्वलित अग्नि में कुछ ऐसी चीजें डालकर अपने जीवन से अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे होलिका दहन से बनी हुई राख का प्रयोग आप घर में कैसे करें, यह हमारे लिए क्या क्या फायदे दे सकती है। इन सब विषयों पर आज की वीडियो में चर्चा होगी, क्योंकि होलिका दहन का दिन असत्य पर सत्य के विजय के लिए मनाया जाता है, तो इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें होलिका दहन के दिन करने से व्यक्ति के जीवन और उसके परिवार में आने वाले कई प्रकार के संकटों का अंत हो जाता है। घर परिवार में चल रही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है और व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता है। घर में स्थित नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर हो जाती हैं। होलिका दहन के दिन किए गए इन कार्यों से घर में सुख शांति और सुख समृद्धि प्रवेश करती है। तो इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना होगा, क्योंकि जो परेशानियां मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, उनमें से कोई एक परेशानी हर घर में जरूर रहती है। चाहे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, धन से संबंधित समस्याएं हैं, व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, व्यक्ति के परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई है, या व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान रहता है, व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पा रही है, या व्यवसाय में निरंतर घाटा उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए होली में किए जाने वाले ऐसे 6 कार्य मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन से इन सभी प्रकार की समस्याओं से दूर हो सकते हैं। तो इस होली पर आप यह कार्य जरूर करें। आपके जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं चल रही हैं, उससे संबंधित कार्य आप इस होली में एक बार आप जरूर करें और अपने जीवन में और अपने परिवार में आने वाली अनेक प्रकार की परेशानियों को घर से दूर करें। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके इस एक लाइक से मेरा भी उत्साह वर्धन होता है और आपके समक्ष इस प्रकार की जानकारियां पहुंचाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अभी तक भी अगर एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की जानकारियां हर हमेशा उपलब्ध होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होलिका दहन हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक होता है। यह पूरी अवधि होली उत्सव के लिए होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन वाली रात्रि में कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अब हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। जिन भी व्यक्तियों को लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, वह लक्ष्मी माता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में धन यश वैभव बनाना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों को होलिका दहन के दिन सरसों के कुछ दाने अपने हाथ में रखकर जलती हुई होलिका की 3 परिक्रमा करने के बाद, जब आप परिक्रमा कर रहे हैं उस समय आप माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मन ही मन स्मरण करें। 3 परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप उन सरसों के दानों को उस प्रज्वलित अग्नि में चढ़ा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे साल भर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन से धन संबंधित समस्याएं पूरे साल भर दूर रहती है। अगर दूसरे उपाय की अगर हम बात करें, तो अगर आप कर्ज से परेशान हैं या आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, तो उसके लिए एक और उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आप होलिका दहन के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं शाम के समय, और पीपल के पेड़ की उसके पश्चात 7 परिक्रमा करें। उस परिक्रमा के दौरान आपके मन में जो भी परेशानी चल रही है, चाहे कर्ज से आप मुक्ति चाहते हैं या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं,
तो उस परेशानी का आप स्मरण करें। अगर आप होलिका दहन के दिन यह कार्य करते हैं तो बहुत जल्द आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और अगर आर्थिक समस्या आपके जीवन में है वह भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। अगर आप कमाते तो बहुत है लेकिन घर में धन रुक नहीं पाता है, वह किसी न किसी रास्ते से घर से बाहर चले जाता है या किसी प्रकार की भी आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन आपको रात के समय शिवलिंग पर 21 गोमती चक्र चढ़ाने हैं। इन 21 गोमती चक्र को चढ़ाने के बाद आप उसे ऐसे ही शिवलिंग पर छोड़ दें और अगली सुबह आप उन 21 गोमती चक्रों को उठाकर लाल कपड़े में रखकर उसे अपने धन वाले स्थान यानी तिजोरी में रख दे। यह करने से भी व्यक्ति के घर में बरकत आ जाती है और पूरे साल भर धन का अभाव व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। अगर चौथे कार्य की हम बात करें तो यह घर के मुखिया को करना है। यह करने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। व्यक्ति के घर में अगर कोई नौकरी के लिए परेशान है या व्यापार में घाटा हो रहा है तो उसे भी इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है अगर घर का मुखिया इस कार्य को होलिका दहन के दिन करता है। उसके लिए आपको करना यह होगा, एक लौंग, एक बताशा और एक पान का पत्ता आपको हाथ में रखकर होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करते वक्त आपके परिवार में या आपको जो भी परेशानी है वह घर के मुखिया को परिक्रमा के समय स्मरण करना है। उसके पश्चात परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप इन तीनों चीजों को अग्नि में जला दें। साथ ही इसके पश्चात एक सूखे नारियल की भी आप अग्नि में आहुति दें। अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। घर के किसी भी सदस्य को चाहे नौकरी से संबंधित परेशानी हो या व्यवसाय से संबंधित परेशानी हो उनकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या घर के सदस्यों को बीमारियां घेरे हुए हैं या किसी प्रकार की भी कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में वास करती है, साथ ही लोगों की बुरी नजर से घर को बचाने के लिए आपको होलिका दहन के पश्चात जब होलिका दहन हो जाता है और उसकी जो राख होती है उसको अगले दिन सुबह के समय घर में लाएं और घर के हर एक सदस्य के माथे पर उसका टीका लगाएं। उसके पश्चात बची हुई राख को आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर उसे रख दें। अगर आप इतना सा कार्य करते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके शत्रु हमेशा आपसे दबकर रहेंगे, वह आपका अहित नहीं कर पाएंगे। यही राख व्यक्ति के घर को बुरी नजरों से भी बचाता है और घर के सदस्यों को अनेक प्रकार की बीमारियों से यह राख मुक्ति देती है। अब मैं आपको होलिका दहन के दिन किए जाने वाले अंतिम उपाय के बारे में बता रहा हूँ। यह वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके घर में दरिद्रता है और वह इस दरिद्रता से बचना चाहते हैं और माता अन्नपूर्णा का वास अपने घर में कराना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को होली की परिक्रमा करते हुए चना, मटर, गेहूं और अलसी के दाने जलती हुई होलिका में डालने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर रहेगी, माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में रहेगा और आपकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। तो यह मैंने आपको 6 उपाय बताए। आपके जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं चल रही हैं, आप उस हिसाब से अपने लिए इनमें से एक कार्य चुनकर जरूर करें और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।